गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ में लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी के बारे में समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। उसमें पेज नंबर वर्कबुक में पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन 1, हृदय हिला देना, इसका अर्थ है हृदय को द्रवित कर देना। इसका वाक्य में प्रयोग है, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। क्वेश्चन 2, मार खा जाना, तो उसका अर्थ है नुकसान होना। वाक्य में प्रयोग है, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। क्वेश्चन 3, फूटी कोड़ी न होना, तो इसका अर्थ है बहुत गरीब होना। तो इसका वाक्य है, लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। अब क्वेश्चन 4, कोई चारा न होना, तो इसका अर्थ है कोई उपाय न होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। नंबर 5, डाका डालना, तो उसका अर्थ है चोरी करना। तो वाक्य में प्रयोग है, कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। क्वेश्चन 6, 9-2-11 होना, तो इसका अर्थ है भाग जाना। तो उसका वाक्य में प्रयोग है, पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। अब नंबर 7, हक्का बक्का रह जाना, इसका अर्थ है चकित होना। वाक्य है, लड़के की स्मरण शक्ति देखकर हक्का बक्का रह गया। नंबर 8, फुट फुट कर रोना, इसका अर्थ है बहुत अधिक रोना। उसका वाक्य है, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। अब क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस कहावत का अर्थ है, नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। अब क्वेश्चन 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो इसका हम शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं, आंसर है आश्चर्य, कोमा इसीलिए, कोमा लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।